की शुरुआत आज देश की बेटियों के लिए आई एक गुड न्यूज से करेंगे, एक बड़े तोहफे से करेंगे। सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए पहला स्वदेशी टीका लॉन्च हुआ है और इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है। भारत में ये कैंसर 15 से 44 साल की उम्र की महिलाओं में दूसरा सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला कैंसर है। दावा यह किया जा रहा है कि यह टीका सर्विकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बेहद कारगर साबित होगा। सर्विकल कैंसर पेशेंट्स के लिए गुड न्यूज आई है। ये गुड न्यूज एक टीके के रूप में सामने आई है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया है। बड़ी बात यह है कि देश में सर्विकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में ये स्वदेशी रूप से विकसित पहला टीका है जिसे एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। कैंसर पर लगातार होती हुई रिसर्च के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई है जो सर्वाइकल कैंसर को 99% तक रोक सकती है। इस वैक्सीन को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV वायरस के खिलाफ बनाया गया है। जिस सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीका बनाया गया है उस सर्विकल कैंसर के बारे में WHO क्या कहता है ये भी यहाँ जान लेना बेहद जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक भारत में हर साल करीब 1.25 लाख मामले सामने आते हैं। इतना ही नहीं, देश में महिलाओं को होने वाला सर्विकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। ये कैंसर महिलाओं में सर्विकस यानी बच्चेदानी के मुख की कोशिकाओं को इफेक्ट करता है। लेकिन इस बीमारी से बचाव के लिए देश को स्वदेशी वैक्सीन मिल चुकी है। आत्मनिर्भर मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ये एक और बहुत ही उत्साहवर्धक ये एक उपलब्धि है और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि अगले 25 वर्षों में जिस आयु वर्ग ने उस 25 वर्ष के भारत के अगले 2047 के निर्माण में अपना योगदान देना है उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इसका एक बहुत प्रमुख भूमिका रहेगी। हालांकि क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम की ये वैक्सीन कुछ समय बाद बाजार में उपलब्ध होगी और इसकी कीमत 200 से 400 रुपए के बीच हो सकती है। पहले हम हमारे देश को देंगे जैसे कोविड के टाइम में भी हुआ था और उसके बाद हम पूरी दुनिया को ये वैक्सीन देंगे क्योंकि दुनिया की महिलाओं के लिए ये वैक्सीन बनाई है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाओं को काम करना है, हेल्दी रहना है और उनके सुरक्षा के लिए ये बहुत ही जरूरी है। दाम कितना होगा सर? वो हम कुछ महीनों में हम अनाउंस करेंगे, शायद 200 और 400 रुपए के बीच हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि अगर बच्चियों को कम उम्र में ही ये टीका दे दिया जाए तो वो सर्विकल कैंसर के संक्रमण से सुरक्षित हो जाएंगी। इसका फायदा ये होगा कि उन्हें 30 साल के बाद सर्विकल कैंसर नहीं होगा। वैक्सीन की जरूरत को समझते हुए ही सीरम इंस्टीट्यूट बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन की बात कह रहा है ताकि भारत के साथ साथ दुनिया भर की महिलाओं को इस कैंसर से निजात दिलाया जा सके। प्लांट में कितनी मैन्युफैक्चरिंग की गुंजाइश और क्या टाइमलाइन है उसका? देखिए, हम 2 साल के अंदर 200 मिलियन डोज तक हम बना सकते हैं। देश को तो 80-100 मिलियन डोज के ऊपर शायद जरूरत ना पड़े मगर वो भी हम रैंप अप कर सकते हैं जितनी देश की जरूरत है और वो हम देखेंगे 1-2 साल के बाद। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार तरक्की कर रहा है। ये बात कोरोना महामारी के दौर में भी साबित हुई है जब भारत ने दुनिया के कई देशों को टीका उपलब्ध करवाया और अब सर्विकल कैंसर के खिलाफ ये स्वदेशी टीका भी इसकी एक और मिसाल है। मिलन शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। हमारे देश की आधी आबादी के लिए कैंसर का खतरा कम नहीं है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, कोलोरेटल कैंसर, ओरल कैंसर के अलावा सर्विकल कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में हर साल लाखों महिलाएं इन 5 तरह के कैंसर से में से किसी एक तरह के कैंसर से पीड़ित होती जा रही हैं। दुनिया के सबसे पुराने और मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उसके मुताबिक दुनिया भर में जहां महिलाओं के मुकाबले 25% से
ज्यादा पुरुषों को कैंसर की शिकायत हो जाती है, वहीं भारत में ये आंकड़ा बदलकर महिलाओं की तरफ चला जाता है। यानी भारत में महिलाएं कैंसर की ज्यादा शिकार हो रही हैं। महिलाओं में सर्विकल कैंसर आमतौर पर पाया जाने वाला चौथा कैंसर है। सर्विकल कैंसर महिलाओं की सेहत के लिहाज से कितना गंभीर मामला बन चुका है, ये 5 साल के आंकड़ों को देखे बिना समझा नहीं जा सकता। सरकारी आंकड़ों पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो साल 2016 में सर्विकल कैंसर की करीब 68,000 मामले सामने आए थे, जिसमें इलाज के दौरान करीब 30,000 महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अगर साल 2017 की बात करें तो सर्विकल कैंसर से जुड़े मामलों में बढ़त देखने को मिली, तब करीब 70,000 महिलाओं में सर्विकल कैंसर के सेल्स पाए जाने की पुष्टि हुई थी। लिहाजा इसके बावजूद 30,000 महिलाओं की जिंदगी बचाई नहीं जा सकी थी। वहीं सर्विकल कैंसर के 2018 के आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं तो उस साल कुल मामलों में फिर से इजाफा देखने को मिला। तब करीबन 71,000 महिलाओं में सर्विकल सेल्स को सर्विकल कैंसर ने प्रभावित किया था। डॉक्टरों के स्तर पर काफी प्रयास के बावजूद 31,000 से ज्यादा महिलाओं की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं 3 साल पहले यानी कि 2019 की भी बात कर लेते हैं, भारत में 73,000 से ज्यादा महिलाओं में सर्विकल कैंसर का वायरस पाया गया। इलाज का फायदा नहीं मिलने की वजह से 32,000 से ज्यादा महिलाओं ने वक्त से पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और अगर 2 साल पहले की बात करें यानी 2020 की, तो 75,000 से ज्यादा महिलाओं को इस कैंसर ने अपने चंगुल में जकड़ा, जिसकी वजह से 33,000 से ज्यादा महिलाओं को लाख कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। सर्विकल कैंसर के ज्यादातर मामले HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अलावा अलग अलग तरह की स्ट्रेन्स की वजह से होते हैं। HPV एक आम यौन रोग है जो जननांग में मुस्से के रूप में दिखता है, फिर धीरे धीरे ये सर्विकल सेल्स को कैंसर सेल्स में बदल देता है। 15 से 44 साल की महिलाओं में इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा होता है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर साल 50 लाख से ज्यादा महिलाएं सर्विकल कैंसर से पीड़ित हो जाती हैं, जिनमें 25 लाख से ज्यादा महिलाओं की जान बच नहीं पाती है। दुनिया में हर 2 मिनट में एक महिला को सर्विकल कैंसर की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। और यही वजह है कि WHO ने 2030 तक सर्विकल कैंसर के उन्मूलन यानी कि नाश का आह्वान किया। ऐसे में हमारी स्वदेशी वैक्सीन दुनिया के सामने नजीर पेश करेगी, हमारी बेटियां सर्विकल कैंसर के वायरस से सुरक्षित हो जाएंगी। दरअसल किसी भी महिला में सर्विकल कैंसर विकसित होने में 15 से 20 साल का वक्त लगता है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाली महिलाओं में 5 से 10 साल में ही ये सामने आ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बच्चियों को कम उम्र में ही स्वदेशी टीका दे दिया जाए तो वो ऐसे संक्रमण से बच सकती हैं, और इसका फायदा ये होगा कि उन्हें 30 साल के बाद सर्विकल कैंसर नहीं होगा। खुशी की बात है कि भारत में एक इंडिजिनस हमारा अपना क्वाड्रीवेलेंट HPV वैक्सीन जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन आज अप्रूव्ड हुआ है। खास करके ये हमारे बहनों और माताओं के लिए बहुत ही बड़ा एक कवच, स्वास्थ्य रक्षक कवच बन के आया है, जिसकी 9 साल से लेकर 24 से 26 साल की उम्र तक जिनको ये वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो लगवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस वैक्सीन को लगाने से जो प्रोटेक्शन है, जैसे इसके जो अदर वैक्सीन हैं जो बाहर की कंपनी बनाती है उनकी जो स्टडीज है उसमें माना गया कि 100% इफेक्टिव है। और एक्चुअली जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो और भी चीजों पर फैक्टर पर डिपेंड करता है, बट अधिकांश जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनके कोई ना कोई वेरिएंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जेनिटेलिया में होता है या जननांगों में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत होगी इसको रोकने के लिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जो है पीरियोडिक स्क्रीनिंग का इंपॉर्टेंस है, जैसे पैप्स स्मेयर्स वगैरह करते हैं, बट मुझे लगता है कोई लार्ज स्केल में अगर आप सर्वाइकल कैंसर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए इफेक्टिव वैक्सीनेशन और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन ऑफ गर्ल्स चाइल्ड करना पड़ेगा, ताकि ये जो एक जानलेवा कैंसर है वो हमारे देश में कम हो। चलिए बात टमाटर डील की कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी खबर है। अच्छा सोचिए कि यदि हमें टमाटर के बदले POK मिल जाए तो। चलिए सस्पेंस खत्म कर देते हैं और आपको हम पूरी खबर सुनाते हैं। तो खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान की है।
जो इस वक्त बाढ़ की भीषण मार से बेहाल है। इस बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है और अब वहां रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान में टमाटर और प्याज जैसी खाने की चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में समस्या से निजात पाने के लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री समेत कुछ पाकिस्तानी संगठनों ने भारत से मदद लेने की बात कही है, लेकिन मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के किसानों ने पाकिस्तान को टमाटर देने के एवज में कुछ शर्तें उसके सामने रख दी हैं और ये ऑफर दिया है कि पाकिस्तान चाहे तो पीओके भारत को देकर हिंदुस्तान से टमाटर ले ले। हर तरफ सैलाब और सैलाब से जूझते लोग, ये तस्वीरें हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां इस वक्त भीषण बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इन हालात में बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तानी नागरिकों का महंगाई ने भी जीना दुश्वार कर दिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। वहां प्याज 400 रुपए प्रति किलो जबकि टमाटर 500 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है और यही वजह है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री मफ्ताह इस्लाम समेत कई पाकिस्तानी संगठनों ने भारत से मदद लेने की इच्छा जाहिर की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान के बाद लाहौर बाजार समिति के प्रमुख शहजाद चीमा ने प्याज और टमाटर मांगे हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस मांग के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक चिट्ठी लिखी और टमाटर देने के एवज में कुछ शर्तें रख दी। चिट्ठी का मजमून कुछ इस तरह है। हम किसान हमारा टमाटर पाकिस्तान को आपकी सहमति पर देने को तैयार हैं, लेकिन किसानों की कुछ शर्तें हैं कि पाकिस्तान कभी भी भारत में आतंकवादी गतिविधियां नहीं करेगा। दूसरी शर्त ये है कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर अपनी राय बदले और वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत को देने को तैयार हो। जबकि तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं जानी चाहिए। ये होना चाहिए लिखित में कि कुछ हमारे सैनिक वगैरह आतंकी गतिविधि नहीं होना, और सैनिक को कुछ क्षति नहीं होना चाहिए बॉर्डर पे जो खड़े है, और कोई आतंकी गतिविधि नहीं होना चाहिए, और ऐसा गवर्नमेंट हमारी लिख के ले उनसे और बातचीत करके चालू कर सकता है, उससे किसानों की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच का व्यापार लंबे अरसे से बंद पड़ा है, खासकर मोदी सरकार ने जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया है, उसके बाद तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से व्यापार पर रोक लगा दी। वक्त बदला और वक्त के साथ पाकिस्तान में सत्ता भी बदली, लेकिन वहां के हालात नहीं बदले। ऊपर से बाढ़ के संकट ने पाकिस्तानी नागरिकों के सर पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया है, मगर वहां की सत्ता पर बैठे लोगों को आवाम के दर्द से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर यकीन ना आए तो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का ये बयान सुन लीजिए। Allow import from India of the edible that are urgently needed. सबसे पहले मैं आपका जो भारत के बारे में सवाल था, इस वक्त जैसे आपने खुद कहा दूसरे सवाल में कि हमारा फोकस तो रिलीफ और रेस्क्यू पे है। जो आप ज़राअत की बात कर रहे हो, जो आप मीशत की बात कर रहे हो, ये बाद के सवाल आता है और उनका जवाब जब हम पूरा सिचुएशन का जायजा देंगे तब हम दे सकते हैं। इस वक्त तक हुकूमत ये बिल्कुल हमारा ये सोच नहीं है, ना ही हमने ये फैसला लिया है भारत के हवाले से। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में पाकिस्तान में सब्जियों का संकट और गहरा सकता है और महंगाई पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। झाबुआ से चंद्रभान सिंह भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। एनआईए डी कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। एक बार फिर से पनप रही डी कंपनी को खत्म करने की रणनीति बनाई जा रही है। इसमें सबसे पहले एनआईए ने इन गुर्गों की नई तस्वीरें जारी की हैं और इसके अलावा दाऊद और उसकी डी कंपनी के सारे गुर्गों को पकड़ने के लिए इनामों का ऐलान किया है।
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके गैंग पर नए सिरे से शिकंजा कसने की तैयारी है, क्योंकि डी कंपनी को खत्म करने के लिए देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए सुपर एक्टिव हो गई है। इसकी वजह ये है कि मुंबई में एक बार फिर से दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गू के एक्टिव होने की खबर है। पिछले दो साल में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों से 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी, बिल्डरों को धमकी और ड्रग्स का कारोबार बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स की तस्करी में इस साल 4 अगस्त को जुबैर वैद मेमन और 4 फरवरी को अबू बकर अब्दुल गफूर शेख को पकड़ा गया था। पिछले साल भी ड्रग्स की तस्करी में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इन सभी मामलों के तार दाऊद और उसकी डी कंपनी से जुड़े पाए गए हैं। इस कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एनआईए ने रणनीति बना ली है और इसी के तहत बड़ा ऐलान किया गया है। डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जो भी एनआईए को जानकारी देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इसके साथ ही एनआईए ने दाऊद और उसकी डी कंपनी के सारे गुर्गों को पकड़ने के लिए उनकी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। ये तस्वीरें अहम हैं क्योंकि पहले से अब तक इन लोगों के खुलिए में काफी बदलाव आ चुका है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने नई तस्वीरों के साथ ये ऐलान किया है कि जो भी दाऊद इब्राहिम और उसके खासम खास छोटा शकील को पकड़ने में मदद करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। छोटा शकील को पकड़ने में मदद करने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और दाऊद इब्राहिम को पकड़वाने में मदद करने वाले को 25 लाख का इनाम मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये जानकारी मिली कि दाऊद इब्राहिम गैंग अब भी सक्रिय है और देश में बहुत सी जगहों पर वो ऐसी कार्रवाई कर रहे थे, अपने कैडर को एक्टिवेट कर रहे थे, लश्कर ए तोयबा जैसे आतंकी संगठन के साथ मिलकर देश में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, देश में आतंकी गतिविधियां चलाने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों के अलावा एनआईए ने डी कंपनी के कई और चेहरों को दुनिया के सामने रखा है और उन पर भी बड़ा इनाम रखा है। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम पर एनआईए ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा है। इसके बाद दूसरा नाम जावेद चिकना उर्फ जावेद पटेल, जिसने 1993 में मुंबई को दहलाने में सबसे अहम रोल निभाया था। एनआईए ने इसके सर पर पूरे 15 लाख का इनाम रखा है। इसके अलावा इस लिस्ट में मुंबई बम धमाकों का असली मास्टरमाइंड टाइगर मेमन का नाम भी शामिल है। टाइगर मेमन का पूरा नाम इब्राहिम मुश्ताक अब्दुल रज्जाक है। इस पर एनआईए ने पूरे 15 लाख रुपए का इनाम रखा है। एनआईए ने डॉन दाऊद इब्राहिम और इनके राजदार की सबसे लेटेस्ट तस्वीर भी जारी की है। तस्वीर जारी करते हुए एनआईए की तरफ से कहा गया है कि इनके खिलाफ एक एफआईआर भी एनआईए ने दर्ज किया है, जिसको किले करके आगे कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि एनआईए ने जानकारी दी है कि किस तरीके से भारत के अंदर नार्को टेरर और नकली करेंसी फैलाने के लिए डॉन और उसकी टीम लगातार काम कर रही है। दाऊद का नाम दुनिया के बड़े आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की ओर से 2003 में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 2 करोड़ 50 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई थी। दाऊद ने 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट की वारदात को अंजाम देकर सैकड़ों बेगुनाहों की जान ले ली थी और अभी भी दाऊद की काली करतूतें सरहद के पार से जारी हैं, जिसमें मुंबई और आसपास के इलाकों में जबरन वसूली, सुपारी किलिंग और स्मगलिंग समेत कई तरह के धंधे शामिल हैं। जांच एजेंसी एनआईए का दावा है कि ये लोग भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और इनका कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, जमात उद दावा और अलकायदा से है। एनआईए को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। एनआईए की कोशिश है कि अगर हमने आतंकवाद को हर प्रकार से खत्म करना है, खास करके मुंबई के इलाके में जो इंडिया का कमर्शियल हब है, कमर्शियल एक किस्म से नर्व सेंटर है, तो बहुत लाजमी है कि डी कंपनी के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को खत्म किया जाए। उनकी बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वॉल्वमेंट है, उनकी पिक्चर्स में जो है फिल्म वर्ल्ड में उसमें बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ तक के जो आईपीएल के मैचेस होते हैं उसमें भी बड़े पैमाने पर जो है शर्तें लगती हैं, बेटिंग लगती है, उसमें डी कंपनी इन्वॉल्व है। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि टेरर की फंडिंग को खत्म करना, टेरर फाइनेंसिंग को खत्म करना, मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करने के लिए इन लोगों को दबोचना बहुत ही लाजमी है। लेकिन अब दाऊद पर एनआईए का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही दाऊद और उसके गुर्गे एनआईए के हाथों में आ जाएंगे। जितेन बहादुर सिंह और देवेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
एनआईए के हाथ जो सबूत लगे हैं उनसे साफ है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ना अब आसान हो सकता है और साथ ही साथ उसका सिंडिकेट मुंबई से आतंक की फैक्ट्री को फंडिंग पहुंचाने की कोशिश है। दाऊद गैंग देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एमडीएमए एलएसडी और केटामाइन ड्रग की तस्करी कर रहा है और इसी से सबसे ज्यादा कमाई भी हो रही है। पिछले दो साल में एनसीबी और नारकोटिक्स सेल ने लगभग 2000 करोड़ की ड्रग्स मुंबई और आसपास के इलाकों से बरामद की हैं। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा सकता है कि दाऊद ड्रग्स के जरिए सिंडिकेट चला रहा है। एनआईए से पहले गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भी यही बात सामने आई थी और रिपोर्ट में डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम को भारत में टेरर फंडिंग, ड्रग स्मगलिंग, फेक करेंसी और आतंकवाद फैलाने का आरोपी बताया गया था। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि डी कंपनी, लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। दाऊद के गुर्गे मुंबई से आतंकवाद के तार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में दाऊद और उसके गुर्गों के खिलाफ एनआईए फुल एक्शन मोड में है और इसकी वजह है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम पर कौन कौन से आरोप हैं विस्तार से हम आपको बताते हैं। साल 1993 में हुए मुंबई धमाकों समेत दाऊद भारत में कई मामलों में मोस्ट वांटेड है। तो सबसे पहला 1993 में हुए मुंबई धमाकों का आरोपी है दाऊद। दाऊद स्पॉट फिक्सिंग का भी आरोपी है। 2016 में दाऊद इब्राहिम पर दिल्ली पुलिस ने क्रिकेट स्पॉट फिक्सिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके अलावा साल 2017 में दाऊद पर जबरन वसूली का आरोप लगाया गया था। थाने पुलिस ने भगौड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके छोटे भाई अनीस इब्राहिम के खिलाफ रंगदारी मामले में वांछित आरोपी के रूप में नामित किया था। वहीं इस साल फरवरी महीने में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें दाऊद पर देश में हिंसा भड़काने के उद्देश्य से विस्फोटक और घातक हथियारों का इस्तेमाल करके हमला करने की योजना बनाने का आरोप है। इसके अलावा दाऊद पर हथियारों की तस्करी और आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने का भी आरोप है और यही वजह है कि दाऊद की डी कंपनी को संयुक्त राष्ट्र आतंकी संगठन घोषित कर चुका है और साथ ही इस संगठन को बैन किया हुआ है। 1993 में हुए मुंबई धमाकों के आरोपी दाऊद को 2003 में यूएन ने ग्लोबल आतंकी माना था। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मामलों की जांच गृह मंत्रालय ने फरवरी 2022 में एनआईए को सौंपी थी। एनआईए आतंक पर जांच करने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी है। इससे पहले तक ईडी दाऊद से जुड़े मामलों की जांच कर रही थी और गुड न्यूज ये है कि एनआईए को लगातार इस मामले में बढ़त मिल रही है। इकबाल कास्कर ने कबूल किया है कि दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील अनीस इब्राहिम पाकिस्तान में ही मौजूद है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के क्लिम्पटन इलाके में ही रहता है। इतना ही नहीं, इकबाल कास्कर ने यह भी खुलासा किया है कि मुंबई बम धमाकों का एक आरोपी जावेद चिकना, जो दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी है, पाकिस्तान में ड्रग का कारोबार करता है। एक बार पाकिस्तान अथॉरिटी ने जावेद चिकना को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर दुबई में भी अपना सिंडिकेट चलाता है। एनआईए इसी तरह देश के गद्दारों और गुनेगारों पर नकेल कस सके, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से उसे मजबूती दी जा रही है। साल 2008 में गठित इस जांच एजेंसी का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने दो और नए विंग्स को मंजूरी दे दी है ताकि साइबर टेररिज्म और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों पर भी नजर रखने और उन पर लगाम लगाने में कामयाबी मिल सके। साइबर स्पेस यानी इंटरनेट की वो दुनिया जहां हर जानकारी मिल जाती है और जिसकी मदद से दुनिया के किसी भी हिस्से में सूचना भेजी जा सकती है या फिर उसे ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन इसकी चुनौतियां भी हैं क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी आतंकी इंटरनेट के जरिए साजिश को अंजाम दे सकते हैं। सरकार या सेना की फाइल्स या प्लानिंग को निशाना बनाया जा सकता है। यहां तक कि सुरक्षा से जुड़े संयंत्रों को बेकार करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि साइबर आतंकियों के खिलाफ मोदी सरकार ने एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। साइबर आतंकियों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। जो आतंकी एक क्लिक से आतंकी साजिशों को अंजाम दे रहे थे, अब उन्हें पकड़ने के लिए सरकार ने एनआईए की ताकत को बढ़ा दिया है।
इन आतंकियों का एनआईए के दिमाग से बच पाना नामुमकिन होगा। मोदी सरकार ने एनआईए की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए दो नए विंग्स को मंजूरी दे दी है। इन दो नए विंग्स में साइबर टेररिज्म और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को शामिल किया गया है। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एनआईए की 142 पोस्ट क्रिएट की गई हैं। इसमें डीआईजी, एसपी और डिप्टी एसपी सहित साइबर एक्सपर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट और लीगल एक्सपर्ट कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे। बड़ी खबर ये है कि 2024 तक सभी राज्यों में एनआईए के ऑफिस होंगे। देश में साइबर आतंक और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर नजर रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए में दो अलग नए विंग बनाए हैं। इस विंग का मकसद ये होगा कि जिस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बॉर्डरिंग इलाकों में या फिर साइबर आतंक फैल रहा है उस पर नजर रखा जाए। इन दोनों विंग में वो तमाम चीजों पर नजर रखी जाएगी जिसमें आईएसआईएस और एक्यूआईएस की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर बढ़ रही हैं। साइबर जगत में जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बड़ा कदम बढ़ाया है। इंटरनेट की दुनिया ऐसी है जिसके चप्पे चप्पे पर दुनिया की कोई सरकार हमेशा नजर नहीं रख सकती। साइबर थ्रेट और साइबर आतंकवाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा मोर्चा है जिसके लिए मोदी सरकार अब साइबर कमांडोज की आर्मी अलग से तैयार कर रही है। जो नया फैसला है वो देश के हित में बहुत बड़े पैमाने पर हमारे लोग जो है जो चाइना का शिकार बन रहे थे साइबर टेररिज्म का उससे बच सकेंगे। जैसे कि मैंने कहा वो इंस्टेंट लोन लोगों को दे रहे थे, ऐसे लोगों को दे रहे थे जो बेचारे उनके जाल में फंस रहे थे और जैसे ही वो लोन लेते थे उसके बाद में हर प्रकार से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। उनके रिश्तेदारों के उनके तमाम जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके तमाम जो पर्सनल डेटा था पर्सनल इन्फॉर्मेशन था उसको हासिल कर लेते हैं और उनको बड़े पैमाने पर ब्लैकमेल किया जाता है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो नई पॉलिसी बनाई है और जो नया विंग एस्टैब्लिश कर रहे हैं उससे बड़े पैमाने पर इस पर रोक लग सकेगी और जो कॉमन पीपल है हिंदुस्तान के वो दुश्मन के साइबर टेररिज्म का शिकार नहीं बनेंगे। साइबर आतंकवाद के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी पर भी एनआईए की टीम बनाई गई है। इसकी वजह है देश के तमाम शहरों में मानव तस्करी का कारोबार बदस्तूर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 में मानव तस्करी के जहां तकरीबन 2278 मामले सामने आए थे वहीं इसके ठीक एक साल बाद यानी कि 2019 में 2208 मामले रिकॉर्ड किए गए। इसके बाद अगले ही साल यानी 2020 में ये आंकड़ा 1747 तक पहुंचा और एक साल बाद फिर ये ग्राफ बढ़ा और 2021 में आंकड़ा 2189 तक पहुंच गया। इस बढ़ते ग्राफ को देखते हुए इन मामलों की जांच के लिए पुलिस के अलावा एनआईए को भी एक्शन लेने का अधिकार दिया गया है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा आतंकवाद है, बहुत बड़ा एक किस्म से टेररिज्म है जिसको रोकने की बड़ी जबरदस्त आवश्यकता है और इसको नहीं रोका जाए तो देश को बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है। एमएचए ने एक नया विंग बनाया है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ साफ तरफ ध्यान देगा। हिंदुस्तान में इस माफी की कोई पहले पॉलिसी नहीं थी और हिंदुस्तान से बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में और कुछ और देशों में, खास करके लड़कियों को हिंदुस्तान की लड़कियों वगैरह को साउथ ईस्ट एशिया में डाला जाता है, मिडल ईस्ट में डाला जाता है, शेख्स का शिकार वगैरह बनती है और हिंदुस्तान की लेबर का भी मिस अप्रोप्रिएशन और मिस यूज होता है। इसको चेकमेट किया जा सकेगा। देश में बढ़ते अपराधों के खिलाफ सरकार सतर्क है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या फिर साइबर आतंकवाद। इस कड़ी में चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। भारत अब चीन और पाकिस्तान की नापाक साजिशों को सफल नहीं होने देगा। फिलहाल एनआईए के पास देश में कहीं भी जांच करने और संदिग्ध को पकड़ने का अधिकार है और इसके लिए उसे राज्य पुलिस की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। एनआईए साइबर क्राइम, मानव तस्करी, नकली नोटों के कारोबार, अवैध हथियार और गोला बारूद की खरीद और बिक्री के मामलों की जांच करने का अधिकार रखती है। विगत वर्षों में 10 जगह पर 10 राज्यों में एनआईए ने अपने काम का विस्तार किया है। 19 में चंडीगढ़, 20 में रांची, इम्फाल और चेन्नई, 22 में जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, कुल मिलाकर 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत करकर वहां पर अपने अस्तित्व को एनआईए ने बनाया है
वहां ब्रांचेस खोले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कार्यक्रम हमने बनाया है 2024 की मई के पहले, देश में नए चुनाव आने के पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी, हर जगह पे एनआईए की ब्रांच होगी, इसका मुझे विश्वास है। एनआईए के अलावा मोदी सरकार ने 2019 में भारत में साइबर हमलों से निपटने के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन किया था। इस एजेंसी का काम चीन और पाकिस्तान के हैकर्स की ओर से होने वाली साइबर हमले को रोकना है। ये एजेंसी तीनों सेनाओं की मदद करती है। दिल्ली से जितेन बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइबर आतंकवाद पर समय रहते लगाम लगानी जरूरी है और इसकी वजह है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी अधिनियम के तहत 2021 में भारत में साइबर आतंकवाद के 15 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 3 मामले उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में दर्ज किए गए। इन राज्यों में वो आतंकी पाए गए हैं जो कोसों दूर बैठे आतंकियों के साथ संपर्क में थे और देश में आतंकी साजिश रचने की कोशिश कर रहे थे। ये तो केवल एक साल का आंकड़ा है। साइबर आतंकवाद कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है या बनने जा रहा है, इसके लिए आपको हम पिछले 4 साल के आंकड़े भी दिखाते हैं, जिससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारत में साइबर आतंकवाद का ग्राफ कितना बढ़ रहा है और इस पर समय रहते लगाम लगा दी जाए तो आने वाले बड़े खतरे से बचा जा सकता है। साल 2018 से हम आपको बताते हैं, साइबर आतंकवाद के करीब 21 मामले दर्ज किए गए थे। इसके एक साल बाद यानी कि 2019 में ये आंकड़ा 12 तक जा पहुंचा। पहले से कमी तो देखी गई, लेकिन ये साइबर आतंकी हमले पहले से ज्यादा घातक पाए गए। वहीं 2020 में ये आंकड़ा और चौंकाने वाला था। 2020 में करीब 26 साइबर आतंकी हमले दर्ज किए गए, यानी कि कोरोना काल में ये आंकड़ा बढ़ा है। वहीं साल 2021 यानी कि पिछले साल ये ग्राफ थोड़ा गिरता हुआ देखा जा सकता है। करीब 15 मामले साइबर आतंकवाद से जुड़े हुए सामने आए थे। साइबर टेररिज्म को खत्म करने के लिए सरकार ने एनआईए को पावर तो दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि इस पर लगाम कैसे लगेगी, ये जानने के लिए हमने रक्षा मामलों के जानकार पीके सहगल से बात की। साइबर थ्रेट के माध्यम से आप हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ऐसा मैलवेयर डाल सकते हो जिससे बहुत बड़े पैमाने पर हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स में कोलैप्स हो सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि चाइना ने काबिलियत हासिल कर ली है कि लड़ाई से पहले बहुत बड़े पैमाने पर वो साइबर अटैक्स के माध्यम से हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, हमारा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर तबाही कर सकते हैं, हमारे वाटरवर्क्स में तबाही कर सकते हैं। और जो साइबर टेररिज्म है उसके माध्यम से वो लोगों का डेटा कलेक्ट करते हैं, लोगों को इंस्टेंट लोन्स देते हैं और उस लोन्स के बाद में उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको थ्रेटन करते हैं, जिसमें भी चाइना बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा था और अभी पकड़ा गया है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के करीब एक साल बाद यानी कि 2009 में एनआईए का गठन हुआ था। लगभग 13 साल के सफर में एनआईए पाकिस्तान संरक्षित आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत की सबसे बड़ी एजेंसी के तौर पर उभरा है। इसके अलावा महज 13 साल पुरानी एजेंसी कश्मीर के अलगाववादियों, जिहादियों और माओवादी नेटवर्क पर भी नकेल कसने में कामयाब रही है। सरकारी आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एनआईए ने अब तक कुल 473 मामले अपने हाथ में लिए हैं, जिनमें मानव तस्करी, हवाला लेनदेन, नकली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों के निर्माण और बिक्री के साथ साथ साइबर आतंकवाद तक के मामले शामिल हैं। अब एक अच्छी खबर, सच्ची खबर और अगली गुड न्यूज अर्थव्यवस्था के मोर्चे से आई है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, दुनिया भर से निराशाजनक खबरें आ रही थी, पर इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर गुड न्यूज आई है। केंद्र के नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ की ओर से जीडीपी के जो ताजा आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में जीडीपी की विकास दर 13.5% रही है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 13.5% की दर से बढ़ी है। अगर हम आसान शब्दों में समझें तो अप्रैल जून के दौरान जीडीपी और ग्रोथ के शानदार आंकड़े अर्थव्यवस्था की मजबूत तस्वीर को पेश कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि पिछले 4 तिमाहियों में सबसे बड़ा उछाल है और शायद इस बात का संकेत भी है कि देश की अर्थव्यवस्था आखिरकार पटरी पर लौटने में कामयाब हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की पर नजर लगाए ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है।
क्योंकि अर्थव्यवस्था ने ये शानदार आंकड़े ऐसे समय पर हासिल किए हैं जब दुनिया की कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं पस्त हो चुकी हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।